अंधेरी रात थी। एक सेठ अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं उन्हें कौन सी बेचैनी थी उस रात। सेठ ने कार निकाली और मंदिर में जाकर बैठ गए। भगवान की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करने लगे। उस अंधेरी रात को एक और आदमी भी उसी मंदिर में आकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, उदास, निराश, आंखों में आंसू भरे। ऐसा लग रहा था मानो उसका मौन भगवान से ढेर सारी बातें कर रहा है। सेठ ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, काहे इतने उदास हो? आदमी ने जवाब दिया, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह अगर ऑपरेशन न हुआ तो वो मर जाएगी और ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। उसकी बातों को सुनकर सेठ ने अपनी जेब टटोली। जितने पैसे उसकी जेब में थे सारे के सारे उस आदमी को दे दिए। उस गरीब आदमी के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। सेठ ने उसके हाथ में अपना कार्ड रखते हुए कहा, इसमें मेरा फोन नंबर है और पता भी है, और पैसों की जरूरत होगी तो बिना किसी हिचकिचाहट इस नंबर पर फोन कर देना। उस आदमी ने कार्ड वापस करते हुए कहा, मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की जरूरत नहीं। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, किसका पता है तुम्हारे पास? उस आदमी ने जवाब दिया, उसी का पता, जिसने इस काली अंधेरी रात को 2:30 बजे आपको यहां भेजा, उसका पता है मेरे पास। एक बार उसके होने पर विश्वास तो करके देखिए, फिर आपको किसी के पते की जरूरत नहीं। उसके होने का विश्वास ही आपकी प्रार्थनाओं को दिल से निकालेगा, और अगर प्रार्थनाएं दिल से निकलेंगी और उन प्रार्थनाओं में विश्वास शामिल होगा तो प्रार्थनाएं जरूर कबूल होंगी। बस आपकी प्रार्थनाओं में आपका भरोसा उस छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए, जिसकी माँ जब उसे हवा में उछालती है पर वो हंसता है और डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। अपनी प्रार्थनाओं में वही मासूमियत लाइए। प्रार्थनाएं जो विश्वास से सराबोर होती हैं, वो एक मानसिक तस्वीर बना देती हैं, जिस पर आपका मन रचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने लगता है। कहा जाता है ना कि जिस चीज को आप दिल से पाना चाहो तो पूरी कायनात भी उसे आपसे मिलाने में आपकी मदद करती है। बाइबल में कहा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पा लोगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएंगे। आपको पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करनी होगी, पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। प्रार्थना करना सिर्फ एक मानसिक कर्म है, पर विश्वास उस मानसिक कर्म को मानसिक तस्वीर में बदल देता है। उन चीजों को घटते हुए महसूस करो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, तभी प्रार्थना पूरी होगी, तभी प्रार्थना कबूल होगी, तभी उसे स्वीकृति मिलेगी। और कहा भी गया है कि एक तस्वीर 1,000 शब्दों के बराबर होती है। एक बार की बात है, रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। 4 साल बीत गए थे, रामपुर में बारिश की एक बूंद तक न बरसी थी। धरती तरस गई थी, लोग बेहाल हो गए थे। सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते, बारिश कर दे मेरे मालिक, धरती सूख रही है। उस गांव का एक किसान रामू एक दिन पूरे परिवार के साथ प्रार्थना में बैठा, जिसमें उसकी पत्नी, 6 साल की बेटी मुन्नी और 4 साल का बेटा राजू था। रामू हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ गया। रुंधी हुई आवाज में आंसुओं को आंखों के भीतर छुपाकर बोला, सुना है भगवान बच्चों की बहुत जल्दी सुनता है, चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरह से प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन भगवान से कह रही थी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे गांव में बारिश कर दीजिए ना। पूजा के बाद सब लोग उठ गए। रामू कुछ काम से बाहर जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? मुन्नी बोली,
बस खेत तक ही जा रहा हूँ मुन्नी। बाबा बोले, बाबा रुको, अपने साथ छाता तो ले जाओ। मुन्नी दौड़ कर भीतर गई और खूंटी से टंगा छाता ले आई। छाता देखकर रामू बोला, अरे मुन्नी भला अब इसका क्या काम, शाम होने को है, धूप तो कब की जा चुकी। मुन्नी मासूमियत से बोली, बाबा भूल गए, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने प्रार्थना की है, कहीं बारिश हो गई तो। मुन्नी का जवाब सुनकर रामू तो स्तब्ध रह गया। कभी वो आसमान की तरफ देखता, कभी मुन्नी के मासूम चेहरे की तरफ। उसी पल उसने महसूस किया मानो कोई आवाज उसे कह रही हो, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे जरूरी है इस बात पर यकीन करना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और फिर उसी हिसाब से कार्य करना। हम सभी प्रार्थना करते हैं, पर अगर प्रार्थना में विश्वास ना हो तो प्रार्थना सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है, केवल एक मानसिक कर्म बनकर रह जाती है। प्रार्थना में विश्वास रूपी रंग से मानसिक तस्वीर बनाओ, उन चीजों को होते हुए महसूस करो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, तभी प्रार्थनाएं सफल होंगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। काली अंधेरी रात थी, एक सेठ अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं उन्हें कौन सी बेचैनी थी उस रात। सेठ ने कार निकाली और मंदिर में जाकर बैठ गए। भगवान की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करने लगे। उस अंधेरी रात को एक और आदमी भी उसी मंदिर में आकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, उदास निराश, आंखों में आंसू भरे। ऐसा लग रहा था मानो उसका मौन भगवान से ढेर सारी बातें कर रहा है। सेठ ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, काहे इतने उदास हो। आदमी ने जवाब दिया, मेरी पत्नी अस्पताल में है, सुबह अगर ऑपरेशन न हुआ तो वो मर जाएगी, और ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। उसकी बातों को सुनकर सेठ ने अपनी जेब टटोली, जितने पैसे उसकी जेब में थे सारे के सारे उस आदमी को दे दिए। उस गरीब आदमी के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। सेठ ने उसके हाथ में अपना कार्ड रखते हुए कहा, इसमें मेरा फोन नंबर है और पता भी है, और पैसों की जरूरत होगी तो बिना किसी हिचकिचाहट इस नंबर पर फोन कर देना। उस आदमी ने कार्ड वापस करते हुए कहा, मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की जरूरत नहीं। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, किसका पता है तुम्हारे पास। उस आदमी ने जवाब दिया, उसी का पता, जिसने इस काली अंधेरी रात को 2:30 बजे आपको यहां भेजा, उसका पता है मेरे पास। एक बार उसके होने पर विश्वास तो करके देखिए, फिर आपको किसी के पते की जरूरत नहीं। उसके होने का विश्वास ही आपकी प्रार्थनाओं को दिल से निकालेगा, और अगर प्रार्थनाएं दिल से निकलेंगी और उन प्रार्थनाओं में विश्वास शामिल होगा तो प्रार्थनाएं जरूर कबूल होंगी। बस आपकी प्रार्थनाओं में आपका भरोसा उस छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए, जिसकी माँ जब उसे हवा में उछालती है पर वो हंसता है और डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। अपनी प्रार्थनाओं में वही मासूमियत लाइए। प्रार्थनाएं जो विश्वास से सराबोर होती हैं, वो एक मानसिक तस्वीर बना देती हैं, जिस पर आपका मन रचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने लगता है। कहा जाता है ना कि जिस चीज को आप दिल से पाना चाहो तो पूरी कायनात भी उसे आपसे मिलाने में आपकी मदद करती है। बाइबल में कहा है, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पा लोगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएंगे। आपको पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करनी होगी, पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा।
प्रार्थना करना सिर्फ एक मानसिक कर्म है, पर विश्वास उस मानसिक कर्म को मानसिक तस्वीर में बदल देता है। उन चीजों को घटते हुए महसूस करो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, तभी प्रार्थना पूरी होगी, तभी प्रार्थना कबूल होगी, तभी उसे स्वीकृति मिलेगी। और कहा भी गया है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक बार की बात है, रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। 4 साल बीत गए थे, रामपुर में बारिश की एक बूंद तक न बरसी थी। धरती तरस गई थी, लोग बेहाल हो गए थे। सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते, बारिश कर दे मेरे मालिक, धरती सूख रही है। उस गांव का एक किसान रामू एक दिन पूरे परिवार के साथ प्रार्थना में बैठा, जिसमें उसकी पत्नी, 6 साल की बेटी मुन्नी और 4 साल का बेटा राजू था। रामू हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ गया, रुंधी हुई आवाज में आंसुओं को आंखों के भीतर छुपाकर बोला, सुना है भगवान बच्चों की बहुत जल्दी सुनता है, चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरह से प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन भगवान से कह रही थी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे गांव में बारिश कर दीजिए ना। पूजा के बाद सब लोग उठ गए, रामू कुछ काम से बाहर जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा, मुन्नी बोली। बस खेत तक ही जा रहा हूँ मुन्नी, बाबा बोले। बाबा रुको, अपने साथ छाता तो ले जाओ। मुन्नी दौड़कर भीतर गई और खूंटी से टंगा छाता ले आई। छाता देखकर रामू बोला, अरे मुन्नी भला अब इसका क्या काम, शाम होने को है, धूप तो कब की जा चुकी। मुन्नी मासूमियत से बोली, बाबा भूल गए, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने प्रार्थना की है, कहीं बारिश हो गई तो। मुन्नी का जवाब सुनकर रामू तो स्तब्ध रह गया, कभी वो आसमान की तरफ देखता, कभी मुन्नी के मासूम चेहरे की तरफ। उसी पल उसने महसूस किया मानो कोई आवाज उसे कह रही हो, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे जरूरी है इस बात पर यकीन करना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, और फिर उसी हिसाब से कार्य करना। हम सभी प्रार्थना करते हैं, पर अगर प्रार्थना में विश्वास ना हो तो प्रार्थना सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है, केवल एक मानसिक कर्म बनकर रह जाती है। प्रार्थना में विश्वास रूपी रंग से मानसिक तस्वीर बनाओ, उन चीजों को होते हुए महसूस करो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, तभी प्रार्थनाएं सफल होंगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।